चित्रकूट बड़कड़ में चंद्रेश इंटर कॉलेज के सामने लगा गंदगी का अंबार, लोगों का जीना हुआ दूभर। चंद्रेश इंटर कॉलेज के पास इतनी गंदगी है कि बदबू से लोग परेशान हो रहे हैं। आधे दुकानदार ने तो चंद्रेश इंटर कॉलेज के सामने ही है, उन्होंने क्या बोला आप इस वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। दूसरी बात, बड़कड़ मोड़ से किला चौराहे चलिए रास्ता जाता है, इन चंद्रेश इंटर कॉलेज के पास गड्ढा है जो हमेशा मौत को दावत देता रहता है। इस गड्ढे में गिरकर आदमी या तो चोटिल हो जाएगा या तो दुनिया को अलविदा कह देगा। इस रास्ते से जिला स्तर के अधिकारी निकलते होंगे लेकिन गड्ढे में नज़र नहीं जाती। इसी रास्ते से विधायक मंत्री जी भी निकलते होंगे लेकिन गड्ढे में नज़र नहीं जाती। आज जब रिपोर्टर को सूचना मिली, उन्होंने तुरंत डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो विजय गुप्ता, 12 ब्यूरो अतुल त्रिपाठी को लेकर चंद्रेश इंटर कॉलेज के पास पहुंचे। वहां पर इतनी गंदगी देखकर हैरान रह गए। अब यह सड़क गड्ढा मुक्त कब होगी, यह देखने वाली बात है। प्रशासन द्वारा आदेश है कि हर सड़क गड्ढा मुक्त होगा, यही आदेश हो रहा है। चंद्रेश इंटर कॉलेज के सामने गंदगी कब उठेगी या तो समय बताएगा। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज टीम में मौजूद रहे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो विजय गुप्ता, ब्लॉक रिपोर्टर बद्री विशाल, 12 ब्यूरो अतुल त्रिपाठी, रिपोर्टर इम्तियाज खान, रिपोर्टर विकास मिश्रा, रिपोर्टर बाल मुकुंद साहू, क्राइम रिपोर्टर धीरज जैन के साथ रोहिणी कुमार की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शशिकांत। शशिकांत, शशिकांत जी आपकी दुकान सामने है जी। ये बताइए, आप देख रहे हैं गंदगी पड़ी है यहाँ पर जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये गंदगी बहुत ज़्यादा बदबू करती है। सामने सरकारी अस्पताल है तो सरकारी अस्पताल सरकार की भी नज़र में नहीं आ रहा है कि सरकारी अस्पताल के सामने कचड़े का ढेर है। ये स्वच्छ भारत मिशन में जो है ये कचड़े का ढेर इनको दिखाई नहीं दे रहा है। ये बताइए कि जो है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार यहाँ के सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार तो इसका जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार बताएंगे? ग्राम सभा में जो है नहीं ध्यान दिया जा रहा है, ग्राम पंचायत में। प्रधान द्वारा शिकायत की गई कभी प्रधान जी को बताया? नहीं, शिकायत नहीं हुई। प्रधान जी से कहा गया है? नहीं, शिकायत नहीं। प्रधान जी से नहीं कहा गया? नहीं नहीं। आप देख सकते हैं इस समय मैं चंद्रेश इंटर कॉलेज के पास खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर गंदगी देखिए, ये कॉलेज सामने है, गंदगी यहाँ पर, ये गंदगी कब साफ होगी और फिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सफाई करने नहीं है? क्या यहाँ पर किसी को दिखाई नहीं देता है? इतने रागी रहते हैं फिर भी गंदगी है कॉलेज के सामने। ये कितनी शर्मनाक की बात है हमारे लिए कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इधर गड्ढा है, अगर कोई भी गिर सकता है, गिरने पर चोटिल हो सकता है। ये मौत को दावत दे रहा है गड्ढा। सबसे बड़ी बात, सरकार के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है। गंदगी फैली है, सामने कॉलेज है, सामने आयुर्वेदिक अस्पताल है, जो आप देख सकते हैं इसमें। आखिर में कब होगी कार्रवाई? तो गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं, आखिर कब देखा जाएगा इनके खिलाफ? बदबू आ रही है, यहाँ बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बीमार हो सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब इसमें हर व्यक्ति निकलता है, रागी निकलता है, लेकिन नज़र किसी नहीं पड़ती, सब मुँह दाबे रहते हैं। आप देख सकते हैं उधर, देखिए मुँह दाबे हैं, उधर दिखाइए, देखिए देख कितनी बदबू दे रही है, इधर लाइए कितनी बदबू आ रही है, लेकिन यहाँ पर किसी को नज़र नहीं आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट क्राइम इंस्पेक्टर को जब सूचना मिली, उन्होंने आकर देखा, बात सही पाई गई, बदबू के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ अच्छे से अच्छे रागी निकल रहे हैं लेकिन उनको न ये गड्ढा दिख रहा है, न ये गंदगी दिख रही है, देख सकते हैं आप। रियाज न्यूज से डिस्ट्रिक्ट क्राइम इंस्पेक्टर की रिपोर्ट।